हे स्क्वाड इंसर्ट्स यो वा मेसा साहब स्क्वाड इज हियर और आज का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होने वाला है। और आज भाई साहब गेम के अंदर एक्स सूट्स का वॉर होने वाला है। इतनी खतरनाक और महंगी लॉबी होने वाली है जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। पहले तो मैं यहां पे आता हूं और लॉबी पे मैंने देखा कि भाई मेरे अलावा यहां पे एक और कार खड़ी हुई थी। मैं यहां पे आया उस कार वाले बंदे का नाम पढ़ने के लिए और तभी पीछे के साइड मेरे टीममेट्स बताते हैं भैया लेवल 7 का फेरो है। भाई लेवल 7 वाला फेरो। अब यहां पे हमें लगा था कि एक ही एक्सूट होगा, लेकिन आप लोग बस धीरे धीरे देखते जाओ यहां पे एक्सूट्स की बारिश होने वाली है। अब इसी फेरो के पास एक लेवल 5 का ब्लड रेवन एक्सूट भी रहता है और इसके अलावा यहाँ पे एक और ब्लड रेवन वो देखो दौड़ के आ रहा है। आज के गेम प्ले के अंदर 4 मम्मी सूट होने वाले, एक येलो मम्मी सूट होने वाला है भाई। और गेस व्हाट, कितने एक्सूट हो सकते हैं? 4 ब्लड रेवन एक्सूट, एक फेरो एक्सूट। मतलब आज तक के गेम प्ले में जो सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा रिचेस्ट लॉबी है वो यही वाली होने वाली है। और ये टॉप आरपी में आप लोग नाम देख रहे हो 47 टॉक्सिक वाईटी, भाई साहब इसकी भी हमारे साथ फाइट होगी। और ये तो आई थिंक सो अभी इस वाले गेम प्ले में रिचेस्ट स्क्वाड में से एक होने वाली है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारी स्क्वाड्स होंगी जिनके साथ बहुत ही खतरनाक और डेंजरस फाइट होने वाले। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं पहले वाले पे उतरने का। हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे साथ ही शायद से वो ब्लड रेवन या फिर फेरो वाले बंदे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे जंप करते हैं, स्पाइडर मुझे कॉल देता है कि यहीं पे भाई वो फेरो वाले बंदे भी गाड़ी लेके आ रहे हैं। मैंने बोला कहाँ पे, तो वो बोलता है कि यही वाला पैरासूट लेके जो हमारा न्यू वाला है, जो मेरा ग्लाइडर है वही लेके ये लोग भी जंप करे। तो हम लोग भाई सोचते हैं कि चलो स्टार्टिंग में यहाँ पे फाइट इनसे होने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और हम पे ही एक ब्लड रेवन वाली स्क्वाड रस कर देती है। मैंने यहाँ पे अपने टीममेट्स को बताया कि यहाँ पे राइट साइड में उतरना है, सब लोग राइट साइड में आ जाओ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी दो बंदों को नॉक करता हूँ, लेकिन आई थिंक सो एक बंदे का तो किल सामने से दूसरे वाले बंदे ने चोरी कर लिया और एक बंदा नॉक पड़ा हुआ था जो कि अपने टीममेट से रिवाइव लेने चला गया। और उतरे में यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भैया विक्की की तो पेटी बना के और उसको भाई वापस से रिकॉल के लिए भेज भी दिया। मैं पीछे की साइड जाता हूँ जिस बंदे को नॉक किया था उसको फिनिश करने, लेकिन वो बंदा स्पॉट नहीं होता। और पीछे मैं बॉट अंकल लोग को मारने आता ही हूँ कि इधर स्पाइडर को नॉक कर देते हैं वो बंदे। अब यहाँ पे स्पाइडर 1 HP में जस्ट बचा हुआ था तभी किल मैसेज आता है भाई साहब। किंग इसका कुछ नाम था, किंग पेसेंडू करके कुछ FB, ये आई थिंक सो फेसबुक में वीडियोस वगैरह डालता है, तो ये इसका नाम था। तो हम लोगों को यहाँ पे फेरो का तो नाम पता चल गया था। अब बारी थी भाई ब्लड रेवन वाले बंदे की और जो टॉप आर्मी भी बंदा था उसकी, और जो येलो मम्मी सूट था और व्हाइट मम्मी सूट वाले बंदे थे। यहाँ मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले तो रीलोड वगैरह करता हूँ। अब हमें लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे कैम करते हैं, तो मैं वही बंदे को देख रहा था तभी सेंटर में एक बंदा वेब शूटर का यूज करके आता है। मैंने विक्की को बोला मॉली कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो टॉप आरपी वाले बंदे के पास मैक्स AKM थी, लेवल 8 वाली न्यू ऑन हिट इफेक्ट वाली ग्लेशियर AKM। अब यहाँ छत में सामने मुझे ब्लड रेवन जैसा रेड कलर के कपड़े में कुछ स्पॉट हुआ। मैंने यहाँ पे विक्की को बोला भाई सामने देख ब्लड रेवन है क्या। अब यहाँ पे स्पाइडर और विक्की नॉक हो चुके थे और हम पे हो चुका था रस बंदों का। तो यहाँ पे बॉन्जर भाई को मैंने बोला कि भाई आप कवर फायर दीजिए यहाँ पे, तब तक मैं इन दोनों को रिवाइव करता हूँ। धीरे धीरे रिवाइव कर रहे थे तभी पीछे से वेब शूटर यूज करके आया। ये देखो ब्लड रेवन आया एक और मिस्टर मधु व्हाइट मम्मी सूट। भैया तेजी से रश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनकी पेटी बन गई। लेकिन इनके जो टीममेट थे बाकी के वो अभी भी लेफ्ट साइड बैठे हुए थे, जिनमें से ब्लड रेवन भी एक था। अब यहाँ स्पाइडर नॉक पड़ा हुआ था और विक्की ने उसे रिवाइव दे दिया था। यहाँ पे बाइक से कोई और बंदा आ गया। किंग पसांडू करके नाम है और यहाँ में हमारी भाई लेवल 7 वाले फेरो वाले बंदे से फाइट भी होने वाली है। अभी फिलहाल के लिए मैं ऊपर आया, जैसे ही सामने बंदा स्पॉट हुआ मुझे,
और एक और ब्लड रेवन 4K करके कुछ नाम था इसका, ये भी आ गया भाई। लो तीन ब्लड रेवन हो चुके थे, मुझे मिला के टोटल अभी चार ब्लड रेवन हो गए और सामने एक और ब्लड रेवन बैठा हुआ है। अरे एक और ब्लड रेवन, दो तो ब्लड रेवन है भाई। यहाँ पे मेरे टीममेट्स पागल हुए पड़े थे, भैया कितने सारे एक्सूट्स आ गए यहाँ पे। थैंक यू, बहुत देर से बैठा हुआ उसी। अब सामने ये बात तो कंफर्म थी कि भाई यहाँ पे दो से तीन बंदे थे, और आप लोगों ने अभी इस 4K वाली टीम का नाम पढ़ा, इसमें 4K वाली टीम में ही दो ब्लड रेवन है भाई, पांच ब्लड रेवन एक सूट, एक फेरो एक सूट। गलत लॉबी भाई, इसको होल्ड करके खेलेंगे मैच। यहाँ पे मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि थोड़ा रुक के खेलते हैं ये वाला मैच, चिकन डिनर निकालते हैं और भाई जितना हो सके ये सारे एक सूट वाले बंदे फाइट लेंगे। मैं थोड़ा फॉल बैक कर ही रहा था कि पीछे की साइड से मेरे पे फायर आया, मैं रोटेशन देता हूँ राइट साइड। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी लगाई, मैंने अपने टीममेट्स को बोला तुम लोग फायर करके उनको डिस्ट्रैक्ट करो, और मैं यहाँ पे राइट साइड से वेब शूटर लेके रोटेशन दे दूंगा, क्योंकि वेब शूटर यूज करने से फुट्स नहीं जाते हैं, तो मैं जल्दी से रोटेशन दे देता हूँ। और सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, इन भाई साहब को यहाँ पे नॉक करके फिनिश किया, और वहां पे विक्की ने एक मॉन्जर भाई ने एक और बंदे को नॉक फिनिश कर दिया। और यहाँ पे एक और बंदे को बॉन्जर भाई ने नॉक फिनिश किया। अब इस टीम का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ था जो कि ब्लड रेवन ही था। यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने कॉल दिया ब्लड रेवन आया, और ये बेचारा अकेले बचा हुआ था, और इसकी पूरी तरह से लगने वाली थी गंदी। एंड इसी के साथ यहाँ पे भाई साहब पहला हमारा एक्स सूट का शिकार कंप्लीट होते हुए, अब बाकी बचे हुए थे भाई साहब मम्मी सूट वाले बंदे, जिनमें दो तो स्पाइडर ने मार दिए येलो मम्मी सॉरी व्हाइट मम्मी सूट, और एक को तो मैंने मारा था, और एक अभी येलो मम्मी सूट आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इनके अलावा भी अभी बहुत सारे बंदे थे जिनका किल मैसेज तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जिनके पास ग्लेशियर थी वो भी मैक्स आउट। तो हम यहाँ पे भाई वो फ्लाइंग किट का यूज करके आते हैं इस वाले इलाके पे, कि यहाँ पे भी बंदे हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये इलाका पूरा का पूरा अनलूटेड था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत लूट वगैरह करते हैं और फिर गाड़ी वगैरह ढूंढ के सीधे निकलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे बॉन्जर भाई और स्पाइडर अपार्टमेंट पहुंच चुके थे, और यहाँ अपार्टमेंट के अंदर जो ही खतरनाक फाइट होगी, और यहीं पे बहुत सारे भाई साहब महंगे बंदे होने वाले हैं जिनके पास मैक्स मैक्स स्किन्स रहने वाली है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आए, मुझे एक बंदे के छत से फुट्स आए, पीछे से एक ग्रासिया का साउंड आया। मिस्टर मधु अभी आप लोगों ने अगर किल फीट पढ़ा होगा तो भाई वो टॉप आरपी वाले बंदे ने यहाँ पे एक ब्लड रेवन एक्सूट मिस्टर मधु को मार दिया। अब ये जो डासिया वाले बंदे थे यहीं पे आ गए थे, रुक गए थे, और पीछे के साइड भी मुझे ऐसा लगा था कि पीछे के साइड भी बंदे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले पीछे स्मोक किया, अब यहाँ पे देखो भाई क्या ही घमासान फाइट होने वाली। मैंने पीछे एक और स्मोक किया, दोनों साइड से मुझे यहाँ पे कवर मिल गया था जब तक कि मुझे दूर से कोई ना मार दे। मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड डाल दिया ताकि वो बंदे आए ना, ग्रेनेड फटे तब तक मेरे फुट्स यहाँ से उन बंदों को सुनाई देने बंद हो जाएंगे। दो बंदे अंदर रस कर चुके थे, मैं थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करता हूँ, सही टाइम का वेट करता हूँ, और यहाँ पे एक ग्रेनेड कुक किया। बंदा पीछे की साइड गया, मैंने ग्रेनेड फेंका एंड बूम भाई मुंह पे ग्रेनेड। मतलब देख रहे हो बंदे रस कैसे कर रहे हैं, एक के बाद एक स्क्वाड हम पे रस करती जा रही। दो हम लोगों ने ग्लेशियर वाले बंदे मारे, मैं ऊपर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। यहाँ मैंने ग्रेनेड से एक और बंदे को नॉक किया, और कोई तो बंदा एक यहाँ पे लेफ्ट साइड टीपीपी लेके बैठा था। मैंने अपने टीममेट्स को कॉल दिया, मुझे लगा था कि मॉली से तो ये फट ही जाएगा, मॉली से जल जाएगा और गैस के अंदर फटेगा।
मगर भाई साहब इसने क्या ही यहाँ पे ग्रोजा का स्प्रे दिया और मेरा एम शो हो गया, जिसे मैं नॉक तो हो गया लेकिन मेरे टीममेट्स मुझे यहाँ पे बचा लेते जैसे तैसे करके, और उसी टाइम पे मुझे दो और बंदों की फुट्स आए, लेकिन ये दोनों बंदे भाग के ऊपर वाली बिल्डिंग में चले गए और उन दोनों का पीछा करते करते हम लोग यहाँ पे रिवाइव हो गया है। अब बस आप लोग ये देखो, और इसके बाद एक लाइक तो बनता है। इन बंदों के साथ तो भाई गलत ही हो गया, इनके साथ तो सरप्राइज हो गया। अब एक बंदे को मैंने नॉक फिनिश कर दिया और एक बंदा मॉली कर देता है और पीछे की साइड भागता है। और तभी यहाँ पे ये देखो, इसका नाम पढ़ो आप लोग, ये एक और ब्लड रेवन 4K सांडू करके कुछ नाम था, इसने अभी ब्लड रेवन एक्सूट उतार दिया अपना, लेकिन यहाँ पे वो नॉक करता है बोंदर भाई को पीछे के साइड से। और तभी यहाँ पे पीछे के साइड से और भी बंदे आ जाते हैं, हम पे रस कर देते हैं। और बाद में पता चलता है कि भैया और बंदे आए नहीं है, जो बंदा एक बचा हुआ था वो यहाँ पे पहली फुर्सत में भाग के जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बंदा भी हो जाता है खत्म। अब बारी थी भाई साहब उन बंदों की जिनको हम शुरू से ढूंढ रहे थे। यहाँ पे जैसे हम लोग आए, हिल पे स्मोक होके रखा था, मैंने अपने टीममेट्स को बोला जल्दी ऊपर आओ और ट्राई करो किसी को नॉक करने का, और तभी सामने मुझे येलो मम्मी सूट स्पॉट हुआ। एंड टॉप आरपी प्लेयर येलो मम्मी सूट वाला बंदा भी गया, टॉप आरपी वाला वही पे हिल पे जा रहा था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहना कि अभी तक हम लोगों ने कितने एक्स सूट और कितने मम्मी सूट वाले बंदों को मार दिया। फिलहाल के लिए एक टॉप आरपी प्लेयर और दो ब्लड रेवन आई थिंक सो हम लोगों ने मार दिए। यहाँ पे जैसे आए भाई मुझे फेरो दिखाई दिया ड्रॉप के पास, मैंने अपने टीममेट्स को कॉल दिया लेफ्ट साइड में फेरो है मैक्स वाला, और यहाँ पे भाई साहब बोंजर भाई ने यार नॉक कर दिया। मैंने बोला था बोंजर भाई को मत मारना, लेकिन उन्होंने सोचा कवर फायर के चक्कर में उन्होंने नॉक कर दिया फेरो को। सामने एक बंदा स्पॉट हुआ मुझे, और यहाँ पे एक और बंदा गया भाई ग्लेशियर वाला, येलो आउटफिट है, गेट पे बैठा बाहर वाले। इस टीम का आखिरी बंदा बचा हुआ था आई थिंक सो, इसके पास भी येलो मम्मी सूट था। भाई ग्रेनेड उसके मुंह पे है। एंड इसी के साथ ये वाली स्क्वाड पूरी की पूरी खत्म होती है, और नाम पढ़ो इसका। तो यहाँ पे ये भी, इसके पास भी ब्लड रेवन था, आप लोगों ने स्टार्टिंग में किल मैसेज पढ़ा होगा तो, लेकिन इसने भाई अपने टीममेट का येलो मम्मी सूट उठा लिया था। देखना अभी विक्की नाम पढ़ेगा और फिर देखना सुनना। यहाँ पे भाई विक्की नाम पढ़ता है उस बंदे को और बोलता है भैया ये तो ब्लड रेवन था येलो मम्मी सूट वाला बंदा। तो यहाँ पे भाई साहब आज मैंने कितने एक्स सूट मारे हम लोगों ने टोटल कमेंट्स में बताना, और अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तभी बंदे स्पॉट हुए, अब ये दो बंदे किसी को तो सामने की साइड देख रहे थे। उन दोनों बंदों को हमने फिनिश किया, और तभी राइट साइड से फायर आया और लेफ्ट साइड पीछे भी बंदा था। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि पीछे वाले को छोड़ो आगे वाले बंदों से फाइट लेते हैं। सामने वाले बंदों को देख ही रहे थे कि तभी राइट साइड से यहाँ पे बंदे ने भाई साहब जैसे ही फायर किया, मैंने स्मोक करके कवर बनाया, और तभी वहां पे पीछे के साइड से विक्की को वो बोल्ट एक्शन मौसी जी से नॉक कर दिया गया। अब हम यहाँ पे चारों तरफ से घिर चुके थे। क्या लगता है आपको, क्या चिकन डिनर हो पाएगा या फिर भाई हमारी पेटी बनने वाली? फिलहाल ये सामने जिस बंदे को नॉक किया था मैंने उस पर रस किया, ये एक लेटा हुआ था बंदा, मैंने यहाँ पे नॉक वाले बंदों को भाई साहब पहले तो फिनिश किया, फिर उसके बाद एक और बंदा झाड़ी पे था उसको भी नॉक किया आई थिंक सो, और तभी पीछे की साइड ही स्मोक हुआ।
अब नीचे के साइड तो अलग ही फाइट चल रही थी, लेकिन अब बारी थी भाई पीछे वाला बंदा था जो वो जोन के अंदर आने से पहले हम पे ग्रेनेड बस आने लगा कि भाई जाते जाते ये भी जाएगा। तभी यहाँ पे किल मैसेज आता है, जोन से एक बंदा नॉक हो गया, मैं पीछे गया और तभी मेरे साथ ये हुआ भाई। जोन से मुझे लगा ये बंदा नॉक हो गया तो मैं इसका किल लेने गया था, तो पागल वो बंदा भाई मेरा ही किल लेने के लिए तैयार हो गया। लेटा हुआ था जोन के बाहर, लेकिन वहां पे मैं बच जाता हूँ। अब उसके बाद पीछे जो मौसी जी चला रहा था भैया जी, वो यहाँ पे कहीं पे था बंदा, स्पाइडर ने उसे स्पॉट किया, हम यहाँ पे आए और ये लेटे हुए थे भैया जी। अब इनकी तो यहाँ पे पेटी बनाई, लेकिन पता चला कि भैया हरॉल पे पता नहीं ये बंदा क्या बोला था भाई, ये भी इंडियन ही था लेकिन कुछ तो बोला था। और अब बचा हुआ था आखिरी बंदा, तो मैंने यहाँ पे स्पाइडर को बोला कि भाई उसको ना ऐसे नहीं मारते, पैन वैन करके मारेंगे, तू गोल गोल घुमा के उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहे। और भाई स्पाइडर के साथ अभी बहुत बुरा होने वाला है, आप सोचो आप लोग क्या होने वाला है। यहाँ पे बेचारा अकेला बंदा, दो दो घोड़ा गाड़ी और भाई चार बंदे इसको घेर के रखे हुए थे और फुल ओपन में फुल पैनिक हो के रखा था। लेकिन भाई साहब यहाँ पे इस बंदे ने स्पाइडर को नॉक किया और भाई बोला जाते जाते भाई एक किल तो लेके जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे गाइस आरआईपी स्पाइडर इन द चैट कर देना। और आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा भाई। आज कितनी भाई अच्छी खतरनाक और महंगी लॉबी शायद ही कभी मेरी लगी है, और सारों के साथ फाइट हुई और सबको हमने मारा भी है। तो भाई महंगी लॉबी ओपी इन द चैट, और गेम प्ले को लाइक कर देना। अच्छा लगा हो ऐसे कमाल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और हम लोग डेली इस समय लाइव करते हैं दोपहर को 12:30 से और रात को 7:30 से, तो लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में। टिल देन सन आराधक वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।